खगड़िया में वार्ड सचिव चुनाव में वोटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, मारपीट कर वृद्ध की हत्या, सात पर केस दर्ज। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मैसोद से राम कुमार यादव, कोराही से महानंद पुदार, मैसोद से जीनियस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर चांद कुमार एवं आयुष कुमार ने कुछ रुपए डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छानुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोनपे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने इच्छानुसार डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। खगड़िया के दिघौन पंचायत के बड़ी तरोना बासा गांव के वार्ड नंबर 13 स्थित मध्य विद्यालय डोमी बासा में बुधवार को वार्ड सचिव चुनाव के दौरान मारपीट कर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। मृतक मोहम्मद अब्बास उर्फ हाजी, जिसकी उम्र 65 वर्ष था, स्थानीय पंच मोहम्मद नईम का पिता थे। मृतक के परिजनों के अनुसार वार्ड सचिव चुनाव को लेकर आम सभा बुलाई गई थी। इसमें मोहम्मद शमसूद और मोहम्मद कैसर सहित दो प्रत्याशी आमने सामने थे। पंचायत सचिव कांता प्रसाद सभी उपस्थित लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे थे। इसी बीच वार्ड नंबर 12 का सदस्य मोहम्मद जरीफुल भी आम सभा में बिना बुलाए आ गया और लोगों को हाथ उठाकर केसर के पक्ष में अपनी सहमति देने के लिए कहा। साथ ही मोहम्मद केसर के भाई जियाउद्दीन, मनोवर, नाजो मोनाजिर सहित दर्जनों व्यक्ति ने वोटिंग करने से मना कर दिया और हाथ उठाकर चुनाव की जीत पर अड़ गए। इसका मोहम्मद अब्बास उर्फ हाजी ने विरोध किया और कहा कि वोटिंग से ही फैसला होगा, हाथ उठाकर नहीं। इसी बात पर जियाउद्दीन और उसके परिजनों ने गुस्सा में आकर मोहम्मद हाजी की लात घुसे पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते उनको मार डाला। इस दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद 1700 गज की दूरी पर बैठे हुए थे। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक मोहम्मद हाजी ने दम तोड़ दिया। इधर थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र मोहम्मद नईम के आवेदन पर केसर सहित सात लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्षेत्र और जिलों की खबर आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।